गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बढ़िया हो डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लाभ हानि प्रश्नावली, और आज हम करेंगे लाभ हानि प्रश्नावली का टाइप नंबर एक। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हमारी आज की प्रश्नावली प्रॉफिट लॉस। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बढ़िया हो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लाभ हानि प्रश्नावली, और लाभ हानि प्रश्नावली का आज का जो टाइप रहेगा टाइप नंबर एक। तो स्टार्ट करते हैं लाभ हानि प्रॉफिट लॉस। स्टूडेंट्स स्टार्टिंग जो टाइप है टाइप नंबर एक बिल्कुल बेसिक टाइप है। स्टार्टिंग में हम चार सूत्र पढ़ेंगे, वो सूत्र क्या है देखिए, टाइप एक। सबसे पहले हम सूत्रों को पढ़ेंगे। तो सूत्र क्या है, सूत्र के लिए हम समझ लेते हैं स्टूडेंट। जिस चीज़ पर, जिसे हम मान लो कि जैसे कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं, खरीदने का जो मूल्य, मान लो ये मैंने पेन है, ये मैंने 20 रुपये का ख़रीदा या 25 रुपये का ख़रीदा, जितने का भी ख़रीदा वो क्रय मूल्य। मान लो 20 रुपये का ख़रीदा है और 25 रुपये में बेच दिया, 25 रुपये में बेच दिया, जितने रुपये में बेचा वो विक्रय मूल्य। ख़रीदने वाला क्रय मूल्य है और बेचने वाला विक्रय मूल्य। तो आप बताइए मुझे, मैंने इसको 20 में ख़रीदा है और 25 में बेच दिया है, तो मुझे लाभ हुआ या हानि हुई? तो जाहिर सी बात है मेरे को 5 रुपये का क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ कब हुआ, जब विक्रय मूल्य तो क्या है ज़्यादा और क्रय मूल्य क्या है कम है। मतलब 20 रुपये में ख़रीदा और 25 में बेच दिया तो मेरे को 5 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ का सूत्र क्या बन गया, तो पहला जो सूत्र है लाभ का, जो सूत्र है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मतलब हम कम में खरीद के ज़्यादा में बेच देंगे तो हमें लाभ होगा। दूसरी चीज़ स्टूडेंट देखिए हानि। सपोज़ करो मैंने ये मार्कर 25 रुपये का ख़रीदा और मैंने 20 रुपये में बेच दिया, तो मुझे 5 रुपये का घाटा हो रहा है, हानि। क्यों हो रही हानि, क्योंकि मैंने ख़रीदा तो ज़्यादा में और बेचा कम में। तो देखिए दूसरा सूत्र हानि का, हानि का सूत्र क्या बनेगा, क्रय मूल्य में से, मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा है और उसमें से क्या घटा दो, विक्रय मूल्य घटा दो, तो क्या होगी, हानि होगी। पहला सूत्र हमारा लाभ का हो गया, दूसरा सूत्र हमारा हानि हो गया। तीसरा सूत्र देखिए स्टूडेंट, लाभ या हानि कब होती है भी, अगर हम क्रय मूल्य ही ना करते, कोई चीज़ कोई क्रय ना करते, खरीदते ही ना, तो ये लाभ हानि का कोई झंझट होता ही नहीं। तो मतलब खरीदना जरूरी है, स्टार्टिंग है, मतलब खरीदना जरूरी है। तो लाभ और हानि दोनों दोनों किस पर डिपेंड करते हैं, क्रय करने पर डिपेंड करते हैं। तो देखिए लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होगा, लाभ बटा में क्रय मूल्य और गुणा में 100। और दूसरा ये चौथा सूत्र है कि हानि प्रतिशत का, हानि प्रतिशत का सूत्र क्या है, हानि बटा में क्रय मूल्य और गुणा में 100। तो स्टूडेंट आपके सामने चार सूत्र हैं, आप इन चारों को अपने नोटबुक में उतार लें, इनको याद भी कर लें, दोबारा एक बार समझ लें। लाभ कब होगा, विक्रय मूल्य में से क्या घटा दें, क्रय मूल्य। हानि कब होगी, क्रय मूल्य में से क्या घटा दें, विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। हानि प्रतिशत, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो पहले टाइप में हम इन चार सूत्रों को पढ़ेंगे और इन चारों सूत्रों का यूज करके हम टाइप नंबर एक करेंगे। तो स्टूडेंट आप अपनी नोटबुक में इन चारों सूत्रों को उतारिए, इसके बाद हम इस पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आप तब तक इनको उतारिए, थोड़ी देर में करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो लाभ हानि का पहला प्रश्न करते हैं टाइप एक का, प्रश्न नंबर एक। एक पुस्तक का क्रय मूल्य रुपये 110 तथा विक्रय मूल्य रुपये 123.20 है, इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो डियर स्टूडेंट्स पहला प्रश्न है आपका, एक पुस्तक का क्रय मूल्य रुपये 110 तथा विक्रय मूल्य रुपये 123.20 है, इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा।
स्टूडेंट आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करें। पॉज करने के बाद आप अपनी नोटबुक में इस प्रश्न को करने का प्रयास करें। इजी प्रश्न है, आपसे आसानी से हो जाना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपने ये प्रश्न कर लिया होगा। अगर आपने कर लिया है तो आप चेक कर लीजिए कि आपका उत्तर सही है या गलत है। और हाँ स्टूडेंट, अगर आपको ये प्रश्न नहीं आया है तो आप इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें कह रहे हैं कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य रुपये 110 है, मतलब कितने में खरीदी गई? 110 रुपये में खरीदी गई है। तो देखिए, क्रय मूल्य है रुपये 110, मतलब 110 में खरीदा गया है। और विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है इसका 123.20। तो स्टूडेंट, कोई वस्तु 110 में खरीदी है और 123.20 में बेची है, तो जाहिर सी बात है कम में खरीद कर ज़्यादा में बेची है तो लाभ होगा। और लाभ कितना हो रहा है चेक कीजिए। लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 123.20 माइनस 110, तो लाभ हो गया 13.20 का। स्टूडेंट लाभ कितने का हो रहा है? 13.20 का लाभ हो रहा है। लेकिन हमसे लाभ नहीं पूछा, हमसे पूछा कितने प्रतिशत लाभ होगा, मतलब लाभ का प्रतिशत पूछा है। तो चेक कीजिए लाभ का प्रतिशत कैसे ज्ञात करें। आपको मैंने सूत्र लिखाया था, लाभ प्रतिशत लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। तो स्टूडेंट लाभ कितने का हो रहा है? 13.20 का। क्रय मूल्य खरीदा कितने में? 110, और इंटू में कितना है? 100। स्टूडेंट यहाँ तक करने के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट को गलती जो करते हैं वो कटिंग में गलती करते हैं, तो आप कटिंग पर थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक है? पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट को हटाओ, उसके बाद 2 अंक है, 00 लगा दो। ओके, 3 जीरो है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, हमारे पास आ गया 132 बटा में 11। अब 11 का पारा आपको आसानी से आता ही होगा, सबको याद होता है। देखिए 11 कम 11 कितना बच गया? 13 में से 11 गया 2, ऊपर से 2 उतारा 22, 11 दूनी 22, 12%, मतलब लाभ कितना हो रहा है? 12%। तो हमसे ये पूछा है कि लाभ का प्रतिशत कितना है, तो लाभ का प्रतिशत है जी 12%। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपने जो किया वो आपका आंसर बिल्कुल सही हो। अगर आपका आंसर सही है तो बहुत बढ़िया बात है। और हाँ, जिन स्टूडेंट का आंसर सही नहीं था या फिर जिनको ये नहीं हुआ जिनसे, तो आप अपनी नोटबुक में पर्सन के साथ साथ इस सॉल्यूशन को भी नोट कर लें। आप ये नोट कीजिए, थोड़ी देर में हम दूसरा सवाल भी आपको करवाएंगे। पहले टाइप के अंदर अपने टोटल 3 सवाल करेंगे, ये पहला सवाल हुआ है, इसके बाद अपने दूसरा सवाल पढ़ते हैं। तो इसे कीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट सेकंड सवाल करते हैं, तो आप अपनी नोटबुक ओपन कीजिए। सेकंड सवाल मैं लिखा रहा हूँ, आप साथ साथ में नोट कीजिए इसे। प्रश्न नंबर 2, एक मोबाइल को रुपये 1862 में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। एक मोबाइल को रुपये 1862 में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। तो स्टूडेंट ये प्रश्न है, वीडियो को पॉज करके पहले खुद करें इस सवाल को, थोड़ी देर में मैं करूँगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपने सवाल कर लिया होगा। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए मोबाइल को खरीदा कितने में? 1960 में खरीदा है, मतलब खरीदने का मतलब हो गया क्रय किए, मतलब क्रय मूल्य है रुपये 1960 में खरीद कर
और कितने में बेचा है? 1862 में बेचा है, मतलब विक्रय मूल्य जो है वो है रुपये 1862। अब 1960 में कोई चीज़ खरीदी, एक मोबाइल ख़रीदा है और 1862 में बेचा है, तो घाटा तो वही है, कम में बेचे ज़्यादा में खरीद कर, तो कितने का नुकसान हुआ है, हानि कितने की हुई है? तो हानि निकालने का सूत्र मैंने लिखाया था आपको, विक्रय मूल्य में से आप क्या घटा दो, विक्रय मूल्य घटा दो, क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी। तो विक्रय कितने में किया, 1960 में, और बेचा 1862 में, तो घटाइए कितने की हानि होगी, तो 98 रुपये, मतलब 98 रुपये की उसे हानि हो गई, उसे घाटा लगा है। हमें हानि का प्रतिशत पूछे, तो हानि का प्रतिशत निकालने का जो सूत्र है, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा में क्रय मूल्य और गुणा में 100। तो हमें हानि हुई है 98 रुपये की, क्रय मूल्य खरीदा था 1960 में और गुणा में 100, 10 से 10। 98 एकम 98, 98 दुना 196। अब स्टूडेंट यहाँ रुकिए, मैंने 98 दुना 196 किया। अब कई स्टूडेंट को लग रहा होगा सर को 98 का पढ़ा याद है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप प्रश्नों को करते रहे, आपको खुद को अभ्यास करते करते खुद को अंदाज़ा हो जाता है ये 2 पर या 3 पर कट रहा है, ऐसा हो जाता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि मुझे ये 98 का याद हो, तो आपको करते रहोगे अभ्यास से तो आपको ये कटिंग वगैरह समझ में आ जाएगी। तो 98 दुना 196 और 2 5 10, तो कितने परसेंट की, 5% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। ओके स्टूडेंट, तो चेक कीजिए अपना सही है या गलत है, नेक्स्ट सवाल करते हैं थोड़ी देर में। स्टूडेंट तीसरा प्रश्न करते हैं, समझ में आ रहा है क्या आपको? अगर समझ में आ रहा है तो कंटिन्यू देखो, फिर करते हैं प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न, किसी वस्तु को रुपये 120 में बेचने पर रुपये 20 की हानि होती है, किसी वस्तु को रुपये 120 में बेचने पर रुपये 20 की हानि होती है, हानि प्रतिशत कितना है? तो स्टूडेंट एक ईजी सा सवाल है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को गलत करने वाले। चेक करते हैं, आप इस वीडियो को पॉज करें, खुद करें प्रयास। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपने ये प्रश्न कर लिया हो, चेक करते हैं फटाफट। किसी वस्तु को रुपये 120 में बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है हमें 120, मतलब रुपये 120, ये हमें क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। बेचने पर रुपये 20 की हानि होती है, मतलब जो हानि है वो कितनी दी हुई है, हानि दी हुई है रुपये 20, ठीक है। और हमें पूछा है हानि का प्रतिशत, तो स्टूडेंट हानि प्रतिशत का सूत्र आपको याद हो गया होगा, हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि बटा में क्रय मूल्य और गुणा में 100, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, याद कर लिया। हानि कितनी, 20 रुपये की, इंटू में 100 बटा में क्रय मूल्य। पहली गलती स्टूडेंट ने की है, वो की है 120 यहाँ लिखा है, क्यों भाई 120 क्यों लिखा, ये 120 तो भाई विक्रय मूल्य है, बटा में तो क्रय मूल्य आना था, तो जिन्होंने 120 लगाया गलत है उनका, कुछ बच्चे तो यहाँ गलती करते, ये 120 नहीं आएगा। अब कुछ चलो 120 नहीं लिखा, समझदारी दिखा रहे हैं, उन्होंने क्या लिखा, 120 में से 20 को घटा के क्या लिखा, 100 लिखा, ये भी गलत है, क्यों भी कहाँ से आया 100, ये भी गलत है। तो यहाँ आएगा क्या, यहाँ क्रय मूल्य आना है, तो क्रय मूल्य देखिए, सपोज करो मैंने आपको ये देखो, ये क्या कह रहे कि किसी वस्तु को 120 में बेचने पर, मान लो मैंने ये मार्कर आपको ना 120 का दिया, ये मार्कर मैंने आपको 120 रुपये का दिया, फिर भी मेरे को 20 रुपये का घाटा लग रहा है, 120 का आपको दिया फिर भी मेरे को 20 का नुकसान हो रहा है, मतलब मैंने कितने में ख़रीदा, मैंने इसको 140 में ख़रीदा, भी 140 वाली चीज़ आपको मैं 120 में दे रहा हूँ, तो मेरे को सीधे से 20 रुपये का तो नुकसान हो रहा है, मतलब इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 140 रुपये, तो 140 आएगा, तो जिन्होंने 140 लिखा उनका बिल्कुल सही है। तो कटिंग वटिंग करें, 0 से 0
दो एकम दो, दो सते चौदह, सौ बटा में सात, सात एकम सात कितना बच गया तीन, तीस हो गया, सात चौके अट्ठाईस कितना बचा दो, दो यहाँ चला गया और बटा में सात, चौदह से ही दो बटा सात परसेंट की क्या हो रही है हानि हो रही है। तो स्टूडेंट ये था अपना टाइप नंबर एक। टाइप नंबर एक के हमने तीन सवाल किए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। हाँ अगर समझ में आ गया तो टाइप नंबर दो का वेट करें, जल्दी आपको टाइप नंबर दो लेके आएंगे आपके लिए। तो आज के लिए इतना। तो डियर स्टूडेंट ये थी आज की प्रश्नावली लाबानी, और आज हमने किया इस प्रश्नावली का टाइप नंबर एक। स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये टाइप पसंद आया होगा, और स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आज आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स को प्रॉफिट मिल सके इस चीज़ का। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं टाइप टू की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।